आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के कर्मचारियों की एक सप्ताह से अधिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से खाद वितरण की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, इसलिए नगर के जनप्रतिनिधियों ने जिला सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक अफजल खान और जिला सहकारी बैंक MD से मोबाइल पर बात कर हड़ताल खत्म नहीं होती जब तक खाद वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई। इस मौके पर राजन सिंह मंडलोई ने बताया कि सहकारी संस्था के कर्मचारियों लंबी हड़ताल के कारण किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे उन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कम बारिश के कारण किसान परेशान हैं और दूसरी समय पर खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए खाद वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिस पर MD व शाखा प्रबंधक द्वारा व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जिला सरकारी बैंक में क्यों आएगा? हम इसलिए शाखा प्रबंधक से मिल रहा था कि जो आदिम जाति सोसाइटी है उनमें 16 तारीख से हड़ताल कंटिन्यूस चल रही है और किसान लोग खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, तो हमने शाखा प्रबंधक महोदय को भी अवगत कराया, साथ में DR साहब को भी फोन लगा के अवगत करा दिया। तो हमने शाखा प्रबंधक महोदय को अल्टीमेटम दे दिया कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कराएं और किसानों को खाद बंटवाने की प्रक्रिया चालू करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।